हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइव प्रोसेस कितने की होती हैं। तो हम जो लाइव प्रोसेस होते हैं 7 होते हैं। पहला होता है मूवमेंट रेस्पायरेशन, दूसरा होता है, तीसरा होता है सेंसिटिविटी, फोर्थ होता है ग्रोथ, एंड फिफ्थ होता है रिप्रोडक्शन, एंड सिक्स होता है एक्सक्रीशन, एंड 7 नंबर जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन। तो मूवमेंट हो गया चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, एंड रेस्पायरेशन में हो जाता है जनरेटिंग एनर्जी, और सेंसिटिविटी में हो जाएगा बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, ग्रोथ में हो जाएगा एन इंक्रीज इन साइज और नंबर, एंड रिप्रोडक्शन में होता है क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स, और एक्सक्रीशन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन में हो जाता है ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें दिखाया गया है कि फूड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो टोटल इसमें 5 दिखाए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स के बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिशन होता है ये हम अपनी बॉडी में जब कोई भोजन लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड्स ऑफ टेकिंग इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, जो इसके किस प्रकार से हम इस न्यूट्रिशन को लेते हैं उसमें आप लिख सकते हैं, पहला नाइबलिंग, दूसरा सॉल्विंग, चीविंग, लैपनिंग एक्सेट्रा, इसके द्वारा हम करते हैं। और उसके बाद में आता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है फीड। तो ऑटोट्रॉपिक में हो जाएगा जैसे मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड आइदर लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू सिंथेसिस फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने स्वयं से अपने मतलब खुद से भोजन बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय एनिमल्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मीन्स होता है अदर, हेटरो मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है फूड। जो कि दूसरों का भोजन खाते हैं मतलब दूसरों को खाते हैं उन्हीं को हम हेटरोट्रॉप कहते हैं। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉयल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गॉड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो इसमें टिनी पोर्स होते हैं लीव्स पर, उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं ये सराउंडेड बाय गॉड सेल्स, इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का ये भी काम होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जो दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये जो होता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो कि हमेशा चलता रहता है। उसके बाद ऊपर दिया गया है सेल। व्हाट इज द सेल? सेल जो होता है वो एक टिनी यूनिट्स होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स होती हैं इनको हम केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऐसे भी मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल्स के बने होते हैं। ये जो सेल होता है ये एक थिन आउटर बाउंड्री से घिरा होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड सेफ्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो कि सेफ्रिकल स्ट्रक्चर में जो इसमें फिग में दिखाया गया है इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड काइटोप्लाज्म। जो काइटोप्लाज्म होता है ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, इसी को हम काइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद में है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं इसमें जो ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इट्स हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो कि सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में लीव्स
जो होती हैं वो मदद करती हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के जरिए ये फूड को प्रिपेयर करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है ये केवल सनलाइट के जब रहता है तभी हो पाता है। फोटो मींस होता है लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है जो कि पूरी पृथ्वी पे ऐसा ही होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को कैप्चर करके लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स है एनर्जी का। जो फोटोसिंथेसिस है अगर ये ना हो तो फूड को प्राप्त करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ भी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि हम पृथ्वी पर जीवित रहें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट्स होते हैं ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रहता है तभी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। इक्वेशन है इसी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट क्लोरोफिल लेता है तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को बनाता है। जैसा कि इस फिग में दिखाया गया है जो ग्रीन कलर में है उससे हम क्लोरोफिल, ये जो है ग्रीन टाइप में इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड गॉड सेल ये यहाँ पे जो बना हुआ है इसे हम गॉड सेल कहते हैं। स्टोमेटा जो इसमें थोड़ी सी स्पेस है जहाँ से स्टोमेटा जो होता है इसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स होते हैं यहीं से एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसों को। गॉड सेल्स ये है गॉड सेल, इसमें जो बीच में दिखाया गया है इसके पार्ट्स होते हैं जो ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। और जो इसमें ये थोड़ी पॉइंट टाइप में दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं गॉड सेल। एंड जो ये इसमें इसके साइड वाला जो है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। एंड जो इसके बीच में जो इसका भाग है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इसमें जो कुछ बड़ा होता है पॉइंट से कुछ थोड़ा बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसा कि इस फिग में दिखाया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को ले रहे हैं, लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर में लीफ होती है इसमें क्लोरोफिल के कारण ये लीफ जो होती है वो ग्रीन होती है। वाटर एंड मिनरल्स जो होता है रूट के थ्रू लेता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ये जो होता है ये हमेशा इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को छोड़ता है और ये स्टार्च जो होता है ये इंडिकेट करता है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्रिया हो सकती है। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट।
फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O और उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है C6H12O6 एंड O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं प्लांट्स और ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। C6H12O6 जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें चेक किया गया है स्टार्च जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है कि नहीं। स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म बाई द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एल्गी जो होता है वो छोटे से जो ग्रीन ग्रीन वाटर, जब ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पे वहाँ पे ये ग्रो हो जाते हैं। कैन यू गेसेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप जानते हैं कि ग्रीन कलर इसका एल्गी का क्यों होता है? द कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। जो इसमें भी जो होता है क्लोरोफिल होता है इसलिए ये ग्रीन होता है। एल्गी आर कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा ये सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाते हैं और जिसका इस्तेमाल होता है सिंथेसिस में अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्रोटीन और फैट को बनाने में भी यूज किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है ये नाइट्रोजेनस सब्सटेंस होता है जिस जो कि नाइट्रोजन जो होता है प्लांट जो होते हैं वो सॉइल के थ्रू लेते हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबाउंडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इन टू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इन टू द सॉयल। जैसे कि यहाँ पर दिया गया नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के थ्रू लेते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स एलॉन्ग विथ वाटर। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एलॉन्ग विथ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स एंड विटामिन्स को भी बनाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक जो ह्यूमन एंड एनिमल्स होते हैं ये एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं इसलिए इन्हें हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं ये चार टाइप्स के होते हैं जिसमें पहला होता है सेप्रोटॉप्स, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये फोर टाइप्स के होते हैं। लुक एट फिग 1.52। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्रोइंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जिसमें इसमें जो प्लांट्स दिखाया गया है इसमें जो येलो कलर में है इसके जो लपेटे हुए हैं इसी को हम होस्ट कहते हैं क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स पे चढ़े हुए होते हैं। सिंस द डेप्रिसीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हियर इज कॉल्ड द पैरासाइट। कस्क्यूटा इज द कॉल्ड इज कॉल्ड द पैरासाइट। पैरासाइट जो प्लांट्स होते हैं ये खुद से क्लोरोफिल नहीं बनाते हैं बल्कि अदर जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर सिंथेसिस करके उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं और ये दूसरे प्लांट से अपने फूड को प्रोड्यूस कर अपने फूड को लेते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। इसी को हम होस्ट कहते हैं क्योंकि ये अदर प्लांट्स से रेडीमेड फूड प्राप्त लेते हैं। सिंस इट डिप्रिसीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन इज इट कॉल्ड अ पैरासाइट। इसीलिए हम इन्हें पैरासाइट कहते हैं क्योंकि ये अदर जो प्लांट्स होती हैं उनके उनके लिए उनके थ्रू ये अपना भोजन लेते हैं उनसे। उसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट को ट्रैप करके और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं।
the pitcher plant or jug like structure in the modified part of the leaf. जैसे कि इसमें इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है जग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम जो है इसी लीफ मॉडिफाइड इनटू द पिक्चर. द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हियर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर. द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इन इंटैगलेंट इन टू द हेयर. ये जो इसमें प्लांट्स में दिखाया गया है इसमें जब जो इंसेक्ट होते हैं वो आते हैं और ये लिड को बंद कर लेता है और उसके बाद में इसे डाइजेस्ट कर लेता है. जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं ये इनके जो डाइजेस्ट करते हैं तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उसके द्वारा ये इंसेक्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट. उसके बाद में है सेप्रोट्रॉप्स. जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर लेते हैं इसी को खाते हैं. इन्हीं को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जो ब्रेड होता है अगर उसको हम घर में कुछ ज़्यादा दिनों तक रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाते हैं. जो फंगस होते हैं वो जो ब्रेड पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मीड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. फंगी आल्सो ग्रो ऑन पैकेट पिकल्स लेदर क्लॉथेज एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. अगर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है या फिर जहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नमी रहती है वहीं पर ये ज़्यादा उगते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं. द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रजेंट इन द एयर when they land on wet and warm things they germinate and grow. जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है या फिर जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है वो वहाँ पर उग जाते हैं क्योंकि ये एयर में पाए जाते हैं. कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर. उसके बाद में आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि लाइकेन में दिया गया है और लेग्यूम में. सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इसी मतलब कि जो फंगी एल्गी और फंगस होती हैं ये अपने फंगी और जो फंगस होते हैं ये मिल करके लाइकेन्स का निर्माण करते हैं जिसमें कि ये दोनों जो होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स होते हैं जो कि एल्गी जो होता है जो फंगस होता है वो एल्गी को शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स उसको प्रोवाइड करवाता है. और जो एल्गी होता है वो एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस यानी फूड उसको देता है. जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेग्यूम में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को सेल्यूबल फॉर्म में सॉइल के थ्रू लेते हैं. जो बैक्टीरिया होता है उसे हम राइजोबियम कहते हैं. ये एटमॉस्फेयर में सोल्यूबल या यूजुअल फॉर्म में पाया जाता है. जो राइजोबियम होता है जो बैक्टीरिया राइजोबियम होती है ये भोजन खुद से नहीं बनाती है. सो इट लिव्स इन द रूट्स नूडल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया को होती है जो प्लांट्स होते हैं ये इसको शेल्टर और फूड इसको प्रदान करते हैं बैक्टीरिया को. उसके बाद में है मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है एक ही फील्ड में अगर हम एक से ज़्यादा प्लांट्स को उगाते हैं तो उसमें आ जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड्स टू अवॉइड एक्सेलेशन ऑफ द सॉइल न्यूट्रिशन एंड टू कंट्रोल वीड्स पेस्ट एंड डिजीज. उसके बाद में आता है मेकिंग कंपोस्ट. कंपोस्ट कैसे बनाना. कंपोस्ट इज अ ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ बीन डीकम्पोज्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंपोस्टिंग. द प्रोसेस रिसाइकल्स वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स अदरवाइज रिगार्डेड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस अ सॉइल कंडीशनर. इसके बाद में चैप्टर ख़त्म होता है. इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल हेटरोट्रॉप्स हॉस्ट इंसेक्टिवोरस इन न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन पैरासाइट फोटोसेंसेस सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉपिक स्टोमाटा
इसमें समरी टाइप में कुछ दिया गया है, पॉइंट कुछ दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, आप लोगों को कुछ चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।